मैं बतेरी वाली देखे बट मेरा इधर चक्कर लग रहा है, आज मैं आया तो मैं क्या आज खा के जा रहा हूँ। सुबह से 7 बजे से 6 बजे चालू करते हैं बनाना और तब से पक रही है जी। मटन सर, मटन की कीमे की ग्रेवी है सर, प्योर मटन की ग्रेवी है सर। स्पेशल कीमे के अंदर कीमा और डालते हैं। तो गाइस आज हम आ चुके हैं दिल्ली में, और दिल्ली में एक प्लेस बहुत ज्यादा फेमस है, वो है आपको पीछे दिख ही रहा होगा, सदर बाजार में सरदार जी मीट वाले। ये एक कार्ट टाइप में लगा रहे हैं और यहाँ पर क्या मिलता है, मटन मिलता है, चिकन मिलता है, कीमा कलेजी मिलती है विद राइस, है ना। तो आज ये चीज़ें ट्राई करेंगे, अंकल से थोड़ी सी बात करेंगे, देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है और बताएंगे आपको टेस्ट कैसा लगा हमें एक्चुअली, क्योंकि जगह तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है ना, तो टेस्ट भी ऐसा है कि नहीं है। इस वीडियो के एंड तक बने रहे, मज़ा आएगा आपको। कमल गाइस देखते हैं इसका टेस्ट और अंदर से बात करते हैं। सरदार जी कैसे हो? बस बढ़िया जी, फर्स्ट बढ़िया हो सर, फर्स्ट क्लास कृपा जी। सर क्या क्या आइटम रखते हो? मटन है, चिकन है, कीमा कलेजी है, राइस है, चपाती है। कितने टाइम से रख रहे हैं यहाँ पर? 40 अबव हो गया सर। 40 ईयर्स अबव हो गए। एक बार सर मेरे को थोड़ा आइटम दिखा देंगे आपका? सर ये मटन कीमा ग्रेवी है, ये मटन है। अच्छा, ये मटन आपने निकाल के रख रखा है जी। चिकन है। अच्छा, फुल लेग विद थाई। हाँ, ये कीमा कलेजी है। अच्छा, ये कीमा कलेजी। तो सर ये ग्रेवी दोनों चीज़ों की? हाँ, ये दोनों की कीमा ग्रेवी है सर। ये राइस हो गया ना? हाँ जी, ये राइस। चलिए, तो क्या रेट रहता है सर अपना? मटन राइस है 250। 250 का। और कितने पीस मटन आएंगे उसमें? 2 पीसेस मटन। 2 पीस मटन। और चिकन राइस? चिकन राइस में एक फुल लेग पीस है उसका 260। 260। हाँ, और छोटा छोटा लेग जो है वो 170। ये छोटा लेग है। अच्छा, ये 170 का है। और मटन का क्या बताया एक बार? 250 हाफ, फुल 500। अच्छा, और कीमा कलेजी अगर साथ लेते हैं तो? 250 हाफ, वही सेम रेट। तो ये तीन चीज़ रखते हैं अपन, है ना। हाँ, एक बार टाइमिंग बता दो सर आपकी। 1 बजे चालू करते हैं, 6-7 बजे तक होता है सर। 6-7 बजे तक। और सातों दिन चालू सर? संडे क्लोज होता है, और ट्यूसडे और पूर्णमासी को राजमा चावल पालक पनीर होता है। ये बोनलेस वाला है? हाँ, बोनलेस। ये बोनलेस है सर। अच्छा, फुल ब्रेस्ट आ गया? फुल ब्रेस्ट है। और इसमें विंग भी रहता है साथ में सर? नहीं, बोनलेस में। अच्छा, बोनलेस सिर्फ बोनलेस देते हैं। ओके ओके, इसको बोनलेस करके देते हैं। तो थोड़ी देर डिप करते हो कि गर्म हो जाए ना। हाँ जी। अरे वाह, बहुत उम्दा। कलेजी नहीं पानी जी? ये चिकन कलेजी। मटन की है? चिकन 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 के साथ चिकन कलेजी। ओके ओके ओके। सुबह से मतलब ऐसे ही चलती रहती है कंटिन्यू? सुबह से 7 बजे से 6 बजे चालू करते हैं बनाना, और तब से पक रही है जी। अच्छा, हाफ प्लेट है। अच्छा, सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी रहता है? सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी राइस। ओके, ग्रेवी राइस में भी कलेजी डाल के देते हैं हम। ओके, ये कितने का रहता है अंकल? ये 100 का है। अच्छा, ये 100 का। ये 100 का है, और फुल प्लेट 140 का। मतलब हल्की फुल्की जो मटन की ग्रेवी है वो पूरी हो जाती है। मटन सर, मटन की कीमे की ग्रेवी है सर, प्योर मटन ग्रेवी है सर। तो पाजी क्या खा रहे हो आज? राजी का मटन मीट खा रहे हैं। मीट खा रहे हैं, नाल चिकन भी खावांगे। अरे वाह, मैं बतेरी वाली देखे बट मेरा इधर चक्कर लग रहा है, आज मैं आया तो मैं क्या आज खा के जा रहा हूँ। तो मतलब फर्स्ट टाइम खा रहे हो? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। कैसा लगा टेस्ट? बहुत मजेदार, घर का, बिल्कुल घर का लग रहा है, घर का बने आया है। अच्छा, क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी, मटन या चिकन? मैं मटन खाता, मैंने मटन स्वाद लगा, मटन स्वाद लगा। चिकन में टेस्ट नहीं किया, वो भी खा लेने। कर लीजिए एक बार। फुल लेग चिकन रहता है सर इनका, है ना। हाँ जी, वैसे तो मटन ही खाने की चीज होती है। मैंने मटन स्वाद लगा, मैं मटन ज्यादा स्वाद लगा। मटन तो बाद चिकन स्वाद लगेगा। सही कही बिल्कुल, मटन तो बाद चिकन, तो बाद मटन स्वाद लग जाएगा। एक बार मटन खा लिया तो फिर चिकन तो फीका लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मनवीर। मनवीर जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो एक तो फुल लेग वाला लगाओ चिकन विद राइस। विद राइस और मटन तो ग्रेवी के साथ लगाओ सिर्फ रोटी के लिए। अच्छा जी, थोड़ा ये चिकन चावल लग रहा है सर।
ओ भाई बहुत बढ़िया ये अंकल कौन सा मसाला डालते हो? ये मसाला पिसाते सर अपना बनाते हैं। चाट मसाला टाइप में? नहीं नहीं सर, ये प्योर गरम मसाला होता है। मटन स्पेशल कीमे लगाऊं सिंपल लगाऊं? जैसा आपका मन करे। स्पेशल कीमे में कीमा डलेगा? हाँ तो वो डालो। अच्छा, बाकी नली चाप वगैरह रखना है ना? नली और गुठ डाला है, बहुत बढ़िया पीस है, बेफिक्र रहो। हाँ जी भाई जी, लो लो। के कलेजी के आपने पीसेस डाल दिए इसमें? हाँ जी, और स्पेशल कीमे के अंदर कीमा और डालते हैं। अरे वाह, मटन में कीमा रहता है ना? हाँ जी, प्योर मटन। बहुत बढ़िया। तो अंकल ये कितने की प्लेट हो गई? 310। अच्छा, 310 रुपए की। हाँ जी ठीक है। थोड़ा सा अंकल रोगन तेज कर देना है ना? अच्छा जी, रोगन तेज लो जी। अच्छा, ये मसाला सब में डलता है? हाँ जी, मसाला तो असल है। क्या क्या चीज़ें लगी हैं देखो, ये है इनका मटन जिसमें दो पीस रहते हैं, कीमे वाली ग्रेवी है, मटन का कीमा है इसमें, और कलेजी के पीसेस हैं दो, ये 310 रुपए का है, और ये है राइस विथ फुल लेग, ये 260 रुपए का है। तीन रोटियां हैं दोस्तों 20 रुपए की, ये थोड़ा सा सलाद है इसमें साथ में। ये देखो मटन एक बार देख लो आप, इसमें छोटे छोटे से कीमे के पीसेस हैं, देख सकते हो आप हल्के हल्के से, देखो। चलो टेस्ट किया जाए एक बार। तो दोस्तों सबसे पहले मटन ट्राई करते हैं। ये देखो भाई पीस साइज देख सकते हो आप मटन का, ये देखो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, है ना। और ट्राई करते हैं कीमे वाली ग्रेवी लेते हैं साथ में, ये एक कलेजी का पीस लिया है। ग्रेवी एकदम घोट घोट के बना रखी है, अच्छा फ्लेवर दे रही है, मतलब टेस्ट डिफरेंट लगा एक्चुअली। देखो ऐसा लग रहा है मैंने इस टाइप का मटन कहीं खाया है, अब कहाँ खाया है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। हल्की हल्की सी, हल्का सा ग्रेवी के अंदर मीठापन लग रहा है मेरे को, शायद वो हो सकता है प्याज की वजह से हो। किसी ग्रेवी में इनका मटन रहता है, किसी में चिकन रहता है, तो ग्रेवी तो सेम है ना। अब आ जाओ इधर, ये देखो भाई, मैं पहले तो आपको लेग दिखा दूं, ये तो लेग का साइज़ है ना। चलो इसको पहले तो लेग को टेस्ट करते हैं। देखो ऊपर से जो इन्होंने मसाला डाला ना, वो ऊपर ऊपर अच्छा टेस्ट दे रहा है। ग्रेवी और राइस करें टेस्ट। चावल गाइस मोटा वाला चावल है, जैसे आप इधर साइड आओगे ना तो क्या मार्केट है, तो आप शॉपिंग वगैरह करोगे और कुछ ना कुछ सामान लोगे, तो सामान वगैरह लेते टाइम आपको क्या भूख सी लगेगी ना, तो भूख लगते टाइम जब आपको ये राइस और चिकन मिल जाएगा ना तो बहुत बढ़िया लगेगा। मेरे को ओवरऑल टेस्ट अच्छा लगा, ग्रेवी हल्की सी मीठापन दे रही है, वो मेरे को पता है शायद प्याज पिसे हुए हैं। ये देखो गाइस कीमा दिख रहा होगा आपको, अलग से डालते हैं ना, आप विदाउट कीमा भी ले सकते हो, वैसे अंकल ने मेरे को अलग से डाल के दिया है, तो अलग से डालने का एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं वो, ये 310 का पड़ा है। पहले अगर कीमा नहीं डलवाओगे ना आप, तो आपको पड़ेगा 250 रुपये के दो पीसेस। आप देख सकते हो एक पीस 260 रुपये का जा रहा है ना, और मटन भी 310 रुपये का जा रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। बाकी ये है कि इससे बेटर भी हो सकता था, बाकी ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मेरे को, बट क्यों भी ट्राई करना था तो आपको दिखाया, उसका टेस्ट बताया। तो गाइज एक इनका सूप भी ले रहे हैं, देखते हैं उसको टेस्ट करते हैं। भैया किसका रहता है, मटन का रहता है? वाह वो भाई, ये तो गजब लग रहा है यार।
सूप की क्या रेट होती है सर? सूप है अपना 30 रुपए का छोटा गिलास, 50 का बड़ा गिलास। 50 का बड़ा मटन का ही रहता है सूप? मटन, प्योर मटन सूप है, क्लियर सूप होता है। ओके, अच्छा थोड़ा सा ये भी डलता है इसमें? इसको भी टेस्ट करते हैं, मटन का सूप रहता है, थोड़ी सी इसके अंदर चर्बी दिख रही होगी आपको, हल्की सी ग्रेवी डाली अंकल ने, हल्का सा, जैसे शायद और तीखापन आ जाए या फिर इसलिए मे बी। टेस्ट अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से आपको पता है अगर ठंडे मौसम में आप पियोगे इसको तो ऑब्वियसली चीज़ है भाई, अगर इसके अंदर आप नमक और गर्म मसाला भी डालोगे ना तो भी स्वाद देगा ही देगा, है ना। तो बाकी इसके अंदर थोड़ा बहुत तो मटन का रहता ही है, वो वाली चीज़ है। ओवरऑल टेस्ट बढ़िया है, 30 रुपये के हिसाब से ठीक चीज़ लगी। यहाँ पे आने में हमको बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, एक बार दिखा देना भीड़, भीड़ चेकआउट करो यहाँ पे, तो इधर भी दिखा दो एक बार, ये देखो यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी, आने में बहुत टाइम लगा हमको, बट खाना खाया, ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा अच्छा मटन अपन ने खाया नहीं, 100% खाया है, बट ये एक चीज़ है जो बहुत फेमस है तो उसको ट्राई किया, ओवरऑल टेस्ट अच्छा लगा। आप भी आ सकते हैं ट्राई करने, दिल्ली वगैरह कभी आओ तो एक बार ट्राई करना। मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।